सभी को नमस्कार आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उदयपुर के द्वारा कृषि योद्धाओं को जो कि एग्रीकल्चर फील्ड से चाहे कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप क्यों ना कर रहे हो उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी खुशखबरी यह है कि ये आपका संस्थान लगातार एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए कुछ न कुछ नया करता रहे और आज भी मैं आपके बीच में आया हूँ एक बड़ी खुशखबरी जो है आपके लिए विशेष अलग अलग कोर्सेज के ऊपर ऑफर तो आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा संस्थान के द्वारा जो आपको ऑफर दिया जा रहा है उसके बारे में इसके अलावा मैं जरूर बताना चाहूंगा कि यदि कोई ऐसा बच्चा है जिसकी पारिवारिक आर्थिक दृष्टि बहुत ज्यादा कमजोर है तो संस्थान के द्वारा रोजाना एक कोर्स फ्री दिया जाता है जिसके लिए आपको रॉयल इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड करना होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रोयल का ऐप का लिंक दिया हुआ है आप वहां जाके डाउनलोड करें ऐप और चैट बॉक्स में जाके चैट करें कि मैं स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं फिर हमारी टीम आपको उस कोर्स के अंदर उस बेच के अंदर एड कर कर देगी फिर आपको रोजाना शाम को पांच बजे ये टेस्ट देने का मौका मिलेगा यदि आप टॉप कर जाते हो यदि आपकी फर्स्ट रैंक आती है तो आपको संस्थान के द्वारा संचालित जो भी कोर्सेज है उनमें से जो आपको कोर्स चाहिए उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं अब आगे चलते हैं और हम बात करेंगे इस ऑफर के बारे में लेकिन सर रॉयल इंस्टीट्यूट में जो है कोर्स इतना सस्ता दिया जा रहा है या इस पे ऑफर दिया जा रहा है तो हम इस कोर्स को खरीद ले नहीं खरीदना खाली कोर्स खरीदने से कुछ नहीं होगा फ्री में दे रहे हैं कोर्स तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि जो आप टाइम दे रहे हो ना बेटा वो इम्पोर्टेंट है अगर किसी कोर्स को लेके आप अपना समय दे रहे हो तो उस लेवल का कंटेंट चाहिए यदि आपको सीयूटी करेक करना है तो जेई के कंटेंट से काम चलने वाला नहीं है कॉन्सेप्ट जबरदस्त स्टाफ प्रॉपर टेस्ट सब कुछ अगर कोर्स के अंदर अवेलेबल है तो ही हमें कोर्स लेना है सर आप क्या कहना चाहते हो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आपको ऑफर दे रहे एक अलग बात है लेकिन हर कोर्स के साथ में मैं बताऊंगा कि इस कोर्स को आप क्यों आखिर आपको क्यों लेना चाहिए रॉयल इंस्टीट्यूट ने इस कोर्स के अंदर क्या विशेष कर रखा है इन सब की मैं आपको जानकारी भी दूंगा सबसे पहले मैं बात करूंगा पशु परिचर भर्ती जो कि टेंथ पास बच्चों के लिए आई थी ये कोर्स हम दो हजार रुपये का हमने ये कोर्स आप सबको अवेलेबल कराया था अब एग्जाम नजदीक है तो हम आपको ये कोर्स केवल तीन सौ निन्यानवे रुपये में अवेलेबल करा रहे हैं पूरे कोर्स को हमने लाइव पढ़ाया है जो लाइव कोर्स हमने पढ़ाया है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको यहाँ मिलेगा इसके अंदर आपको टेस्ट भी मिलने वाले हैं पूरे कोर्स को जो सिलेबस है बहुत ही अच्छे स्टाफ के द्वारा हमने पढ़ाए हैं चाहे आपकी केमिस्ट्री हो जो जनरल साइंस है उसके अंदर चाहे उसकी फिजिक्स हो चाहे आपकी मैथमेटिक्स हो इसके अलावा

जेट और सीयूटी क्रेक करना चाहता है जेट और सीयूटी क्रेक करना चाहता है तो वो इलेवन ट्वेल्थ के साथ जुड़ सकता है एक हजार से ऊपर बच्चे एक हजार से ऊपर बच्चे जेट और सीयूटी में सेलेक्ट हुए हैं जेट और सी में सेलेक्ट हुए एक हजार से ऊपर आई सी आर के अंदर एक से लेके दस रैंक लगातार रॉयल इंस्टीट्यूट की एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस लगातार दस रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की रही है जो कि अलग अलग वर्ग में है अलग अलग वर्ग में एक से लेकर दस रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट की लगातार रही है इसके अलावा उनमें पैंतीस से ऊपर बच्चे की बात हो चाहे बी एच यू की बात हो पचास से ऊपर बच्चे आपके बी एच यू के अंदर सिलेक्ट होके गए चाहे नवसारी गुजरात हो आनंद गुजरात हो बी ए चाहे कोई से भी टॉप यूनिवर्सिटी क्यों ना हो रॉयल इंस्टीट्यूट के बच्चों ने झंडे गाड़े है केवल इस साल नहीं Osionfish. हर साल मैं बात करूंगा जेई की पूरे राजस्थान के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट की है एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी बच्चे बैठे हैं फर्स्ट रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की है इसके अलावा फर्स्ट रैंक अलग अलग कैटेगरी में भी चार बच्चों की जो है फर्स्ट रैंक है और सेकंड रैंक भी चार बच्चों की अलग अलग कैटेगरी के, के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट की जनरल रैंक के साथ में जनरल रैंक एग्रीकल्चर के बच्चों में उसके साथ में

उत्तराखंड गया है आर एल बी बारहवीं के साथ में बी एच यू बारहवीं के साथ में बच्चे आनंद गुजरात नवसारी गुजरात सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो बारहवीं के साथ में देश की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर अपना सिलेक्शन करवा के एक साल बिना खराब किए

90 परसेंट से ऊपर बारहवीं के साथ लेके आए हैं और बारहवीं के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़ के टॉप से टॉप यूनिवर्सिटीज कॉलेज के अंदर बच्चे गए हैं मैं बताना चाहूंगा 11 ट्वेल्थ में यदि आप हमारी टीम के साथ जुड़ जाते हो तो आपको डेफिनेटली 12 महीने एक साल और तैयारी करने की जरूरत कतई नहीं पड़ेगी अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं सीयूटी मतलब आईसीआर में आपको अगर एडमिशन लेना है तो सीयूटी की परीक्षा देना है और जेई 2024 मैं रिजल्ट आपको बता चुका हूं ऐसा बच्चा जिसका आईसीआर में भी नंबर नहीं आया अभी तक जेईटी में भी नंबर नहीं आया उनको निराश होने की जरूरत नहीं है लास्ट ईयर जो बच्चे हमारे टॉपर्स है जो टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी में गए पांच सौ चौसठ नंबर के साथ रवि चौधरी हमारा बच्चा है हर्ष गोदारा हमारा बच्चा है ऐसे बहुत से उमेश हमारा जो बच्चा है ऐसे बच्चे जो टॉप रैंकर्स हैं उन बच्चों को आप देखोगे तो लास्ट ईयर जेट और सीयूटी में जेट में दो सौ से कम डेढ़ सौ से कम और सीयूटी में तीन सौ ढाई सौ दो सौ से कम ऐसे बच्चे जो हैं पांच सौ पचास का आंकड़ा पार कर गए पांच सौ का आंकड़ा पार कर गए और जेई में साढ़े तीन सौ तीन सौ का आंकड़ा पार कर गए मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि चाहे आपने एक साल कहीं तैयारी की हो या बारहवीं के साथ में आपने एग्जाम दिया हो यदि आपके बहुत अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो यू हैव टू चूज बेस्ट इंस्टीट्यूट बेस्ट कंटेंट और बेस्ट मैनेजमेंट अगर आप वो चूज करते हो तो डेफिनेटली आप जो है अगले 2025 के अंदर आपकी वीडियो बनेगी आपके जो है अखबार में नाम आएगा आप अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करोगे मैंने एक रील्स बना के बच्चे की डाली थी जिसके अंदर बच्चा अपने माता पिता के साथ में उनको यूनिवर्सिटी लेके गया किस तरीके से बच्चा घर से निकलता का और कैसे बच्चा बारहवीं में नाइन्टी फाइव परसेंट लेके आता और बारहवीं के साथ में बी एच यू आर एल बी और, और जेई में अच्छे मार्क्स लेके आता है और अभी आर एल बी झांसी बच्चा गया ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल रॉयल इंस्टीट्यूट के पास में है लेकिन इन सब के लिए हमें एक डिसीजन लेना होगा हमें एक टारगेट सेट करना होगा और उस टारगेट के लिए कंटिन्यू जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि बुरा मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत बोलो ये चीजें छोड़ दो इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा ये आपकी लाइफ में एक बैरियर का काम करेगी इसलिए आपको क्या करना चाहिए बुरा मत सोचो पॉजिटिव सोचो अच्छा सोचो और जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बनोगे इसमें कोई दोराय नहीं है इसलिए बेटा आपको सही डिसीजन लेके आपको लगातार पढ़ना चाहिए सात हजार रुपए में हम कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं इस कोर्स में गुरुजी क्या क्या दोगे हम आप तो इस कोर्स के अंदर हम आपको क्या क्या देंगे देखना इस कोर्स में आपको बारह से ऊपर टीचर पढ़ाएंगे हर सब्जेक्ट के चार टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं बारह प्लस टीचर पढ़ाएंगे और सभी को अराउंड अगर एवरेज निकालोगे तो 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस है कौन से चैप्टर में से कहां से क्या कुछ आने वाला है एक एक चीज की जानकारी हमारे स्टाफ को है क्योंकि उनको लंबा अनुभव हो गया बारह टीचर के साथ में जो भी हम पढ़ाएंगे आपको उसकी पेनल पीडीएफ देंगे जैसे इस बोर्ड पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो कुछ लिखा रहा हूं इसकी फोर के पेनल पीडीएफ आपको मिलेगी इसके साथ में हम आपको नोट्स लिखवाते हुए भी पढ़ेंगे मतलब सीधी क्लास से डायरेक्ट लाइव रहेगी ऑफलाइन जो बेच चल रहा है वो डायरेक्ट घर बैठे आपको लाइव मिलने वाला है मतलब ऑफलाइन की फीलिंग घर बैठे आपको लाइव में मिलने वाली है इसके अलावा डीपीपी हर चैप्टर के हर चैप्टर के हर टॉपिक की डीपीपी मिलेगी उसके बाद में आपको एक्सरसाइज सीट मिलेगी फोर लेयर की एक्सरसाइज लेट के बाद में हम आपका कंटिन्यू टेस्ट लेंगे डाउट सेशन रखेंगे मोटिवेशनल सेमिनार लास्ट में टेस्ट सीरीज ये सब काम आपको घर बैठे हुए केवल सात हजार रुपए मिलेगा सर कुछ बुक्स वगैरह मिलेगी बिल्कुल आपको दस बुक बिल्कुल फ्री मिलेगी आपके घर पे पहुंचेगी दस बुक बिल्कुल फ्री पहुंचेगी उसके कोई चार्ज आपके नहीं लिए जाएंगे इसका मतलब ये हुआ नाम मात्र फीस के अंदर लाखों की पढ़ाई आपकी केवल कुछ हजारों में हो रही है तो मैं सभी बच्चों से चाहूंगा कि आप लोग जो है सही सही जो सही सही टाइम पे डिसीजन लेके एक बढ़िया सोच कोर्स को को ज्वाइन करें और अपने सपनों को साकार करें आगे चलते हैं प्री पीजी प्री पीजी की शुरुआत रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर ने 2022 में की 2022 में हमारी पहली साल थी पीजी की पूरे राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक निकिता मेल पूरे राजस्थान में सामान्य वर्ग में रॉयल इंस्टीट्यूट की एग्रीकल्चर में फर्स्ट रैंक बात करूंगा 2023 में 2023 में पूरे राजस्थान में अशोक राठौर फर्स्ट रैंक और टॉप टॉप के के अंदर तो पांच के अंदर पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की दो के अंदर मैं बात करता हूँ इसी साल की तो टॉप ग्यारह रैंक फर्स्ट रैंक तो है ही है हमारा ब्रजेश चिमनपुरक कॉलेज में पढ़ने के बावजूद बच्चा पूरे राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक लेके आ गया और

डीप तो लेवल पर जो आपको जरूरत है उस कंटेंट की उस लेवल तक पढ़ा रही है इसलिए बच्चे टॉप कर रहे हैं मैं बात करूंगा आईसीआर और एग्रोनॉमी में शुरुआत की थी। ये हमारा सेशन है इस बार और आप देखोगे कि हमारे बच्चे जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया तैयारी की दिन रात एक करके वो बच्चे आईआरआई न्यू दिल्ली देश के टॉप से टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है आईआरआई हब जो है वहां पे बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के सोइल साइंस और एग्रोनॉमी इन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर बच्चे जो फिजिकल साइंस और जो आपकी एग्रोनॉमी है इसके अंदर जाके झंडे गाड़ रहे हैं इसी साल मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने पहले ही साल क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि सर इसके लिए हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा आप हमें जो है

डब्ल्यू के अंदर भी क्योंकि डब्ल्यू का कोर्स बोलो चाहे पीजी का कोर्स बोलो लगभग लेवल एक जैसा है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों प्लेटफॉर्म पे आज सैकड़ों बच्चे ऑफलाइन में रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं सैकड़ों बच्चे जो हैं आपके ऑनलाइन के अंदर WHO की तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम मीडियम इंग्लिश दोनों में हमारा कोर्स अवेलेबल है छह हजार रुपए के अंदर हम आपको सब कुछ अवेलेबल करवा रहे हैं तो ऐसा बच्चा जिसको नौकरी लगना है और कहीं पर अगर जॉब भी कर रहे हो उसके साथ में भी आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो इस बार हम दशहरे तक ही आपको ऑफर देने जा रहे हैं मैं बात करूंगा नेक्स्ट एओ एओ की वैकेंसी आपको बताया दो हजार में आ चुकी है लिमिटेड पोस्ट है लेकिन जो बच्चे मेहनत करेंगे डेडिकेशन के साथ में तैयारी करेंगे वो बच्चे एग्रीकल्चर ऑफिसर भी बनेंगे नेक्स्ट है जो वैकेंसी है वो है कृषि पर्यवेक्षक कृषि पर्यवेक्षक में रॉयल इंस्टीट्यूट का कोई तोड़ नहीं है बहुत ही जबरदस्त स्टाफ है सात फैकल्टी जिसके अंदर पढ़ाती है एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर एनिमल एजमेंट्री आपकी हिंदी के हमारे बहुत ही जबरदस्त सर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को इसके अलावा जीके की आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री ज्योग्राफी सात टीचर एक से बढ़ एक जो है आपको पढ़ाने वाले हैं एग्रीकल्चर का बच्चा जिसने कभी जीके के हाथ भी नहीं लगाया वो भी आपका जो है कृषि प्रयोग बन के दिखाएगा क्योंकि जिक्के जो हमारी पढ़ाने वाली टीम है बहुत ही जबरदस्त है बहुत ही शानदार है ये हमारा छह हजार रुपए में हम कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं नेक्स्ट जो है ये पूरे कोर्स लाइव रहने वाले हैं

जो चाहता है कि मैं टॉप यूनिवर्सिटी में जाऊं तो उन बच्चों के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट एक बेहतरीन मौका आए हैं तो आपको इस मौके का फायदा उठाना है और मैं कहता हूं कि अगर आपके पास इतना भी है नहीं, दे, दे स्थितियां है कि नहीं दे सकते तो भी रॉयल इंस्टीट्यूट आपको मौका दे रहा है फ्री में कोर्स लेने का आप संस्थान के साथ जरूर जुड़े आप एप डाउनलोड करें और इस रॉयल इंस्टीट्यूट का रिजल्ट देखने के लिए हमारा एप डाउनलोड करके आप फ्री स्टडी मटेरियल में चले जाए वहां पर भी आपको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा रिजल्ट फोल्डर में और यहाँ पे इसी वीडियो के प्ले में आप जाके देखोगे जहां पे एक से ऊपर वीडियो मैंने केवल रिजल्ट के अपलोड कर रखे है आप जाके बेटा एक एक रिजल्ट आप जरूर देखें और आने वाले टाइम में मैं 500 बच्चों का रिजल्ट एक साथ एक ही वीडियो में लेके आने वाला हूं बहुत ही जल्द दिवाली से पहले पहले मैं 500 बच्चों का रिजल्ट कम से कम पार्ट वन के अंदर लेके आऊंगा जिसमें लगातार 500 बच्चों का मैं रिजल्ट दिखाऊंगा जो टॉप यूनिवर्सिटीज में गए पार्ट टू के अंदर अगले 500 बच्चों का दिखाऊंगा ताकि आपको ये लग सके कि नहीं अगर डेडिकेशन के साथ में पढ़ा जाए तो सरकारी कॉलेज में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी देश का टॉप जो है एग्जाम करेक्ट करके जा सकता है मैं पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा कि यदि आपको कुछ करना है अगर आपको कहीं किसी मंजिल पे जाना है तो आपको सही समय पर सही डिसीजन लेना होगा और गांधी जी ने जो कहा था कि बुरा नहीं सुनना है बुरा 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 नहीं 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 बोलना है नहीं देखना है नहीं सोचना है देखना सोचना सही सोचो पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहो हो सकता है आप जब भी कोई तैयारी कर रहे हो तो आपको शुरुआती टाइम में कुछ मुश्किलें आ रही हो दिक्कतें आ रही हो आप उनको साइड में करें और अपने आप पे विश्वास करें कि मैंने जो डिसीजन लिया उसके अकॉर्डिंग मैं मेरा परसेंट दे रहा हूं उसके बाद में आराम यदि आप चाहते हो कि लंबे टाइम तक आपको याद रहे तो कोई सा भी पेपर क्यों ना आपको कितना भी क्यों ना पढ़ना पड़े छह घंटे आपको कम से कम सो के ही पेपर देना चाहिए छह घंटे सोने के बाद में पेपर देने का विचार आना चाहिए प्लस रोजाना डेली रूटीन में भी कम से कम आपको नोट करके रखना है कि छह से सात घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए और अगर आप नाइट में पांच घंटे सोते हैं तो एक घंटे दिन में सोए छह घंटे नाइट में सोते हैं तो लगभग आधा घंटा दिन में एक नेप जरूर ले आपने इस पूरे वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार थैंक यू थैंक यू वेरी मच